सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:45, पौने 10 बज रहे हैं और मैं अभी तक घर पे हूं, बिकॉज आज हमें जाना है एक इंस्टॉलेशन के लिए। लगभग यहीं पास में ही है, मेरे स्ट्रेट इसी लेन में है जहाँ पे भी जाना है इंस्टॉलेशन के लिए। आगे जाके बस जो शरफडी जी एग्जिट 3 है, बरदुबई वाला एग्जिट जहाँ से हम भारत रेस्टोरेंट जाते हैं, वहीं पे वो ऑफिस है जहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन करना है। तो चलते हैं आराम से, कस्टमर ने मुझे बुलाया था 10:15 तक आओ, तो इसलिए मैं थोड़ा देर लेट ही निकल रहा हूँ। चलते हैं अभी यहाँ से, रेडी वगैरह हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, अब चल के सिर्फ इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे बुर्जुमन से मेट्रो लेंगे और सीधा ऑफिस चलेंगे। और सैटरडे है, मुझे पता है आज का कुछ प्लान्स नहीं है हमारे बाहर मीटिंग्स वगैरह का, लेकिन हाँ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आज होपफुली हमने कल अपने जो ओनर हैं बॉस हैं उनसे परमिशन ली थी कि हम प्रोजेक्टर पे प्ले करेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेट्स सी, अगर परमिशन मिल जाएगी तो ठीक है, प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को क्या माहौल है ऑफिस का। अदरवाइज देखते हैं दिन कैसा जाता है, कैसा स्पेंड होता है, शाम को तो मिलके आप लोग से बात कर ही लूँगा। और आज वीकेंड है तो कल का कुछ टेंशन नहीं रहेगा, सुबह जल्दी उठना है, खाना बनाना है, आराम से आज बात करूँगा जो भी है टॉपिक पे। और फिलहाल अभी चलता हूँ यहाँ से लेके डिवाइस, निकलता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए और दिखाता हूँ आप लोग को बाहर का क्या हाल है। सर गाइस, मेरा जो भी काम था इंस्टॉलेशन वगैरह का और एक दो कस्टमर के साथ फॉलो अप था बरदुबई में, वो हो चुका है ख़त्म। और इस वक्त है ये म्यूज़ियम के सामने, दुबई म्यूज़ियम, सो चलता हूँ अब। 11:15 हो रहा है, यहाँ से तुरंत मेट्रो लेता हूँ शरफडी जी से बुर्जुमन या यूनियन, और वहाँ से फिर मेट्रो लेके सीधा निकलता हूँ ऑफिस के लिए। सर गाइस, मुझे एक दुबई की एक चीज़ काफ़ी पसंद है, आप लोग को मैं बताता हूँ। दुबई में सबको पता है गर्मी काफ़ी होती है, पूरे साल गर्मी रहती है भले ही विंटर सीजन्स क्यों ना हो। सो यहाँ पे जो शॉप वाले लोग हैं जिनकी शॉप्स वगैरह रहती है, वो शॉप्स के बाहर पानी का कैन रखते हैं लोगों के लिए, ताकि हर कोई तो पानी अफोर्ड नहीं कर सकता खरीद के। सो बाहर आते जाते लोग जो हैं जिनको प्यास लगी है वो पी सकते हैं, या तक कि अंदर भी शॉप के होता है, बिंदास जाके अंदर शॉप के भी पी सकते हो, कोई उसके लिए चिल्लाएगा या कुछ बोलेगा नहीं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कैन है, अभी देखो ये मोबाइल की शॉप है और इसके बाहर ये वाटर का कैन, चेक करो। सो हर शॉप के अंदर या तो बिस्लेरी के छोटे छोटे ग्लास के बॉटल, या तो फिर आपको वाटर कैंस ऐसे बड़े बड़े फिल्टर्स में लगे मिल जाएंगे, आप बिंदास जाके आपको प्यास लगी आप पी सकते हो विदाउट चार्जेस, वो एज अ उनके तरफ से एक छोटी सी हेल्प के लिए उन्होंने रखा रहता है। सर गए 6:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ इस वक्त ऑफिस से, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ का बाहर का माहौल इवनिंग का, हल बरसा का इसे कुछ है माहौल। चलता हूँ यहाँ से, निकलूँगा मेट्रो लेके सीधा घर पे, कुछ प्लान्स वगैरह तो नहीं है सैटरडे का, बट मिलता हूँ आप लोग से घर चल के। सर हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं घर पे आ चुका हूँ और घर पे फैमिली वगैरह से बात करके सब कुछ काम निपटा के मैं फ्री हो चुका हूँ। अभी कपड़े भी धुलने डाल दिए हैं, बिकॉज आज सैटरडे है तो रात तक धुल उल के ठीक हो जाएंगे कपड़े, सुखा दूंगा तो कल कुछ टेंशन नहीं रहेगा, फ्री रहूंगा आराम से। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बज रहे हैं, खाना पीना भी हो गया है। खाना एक्चुअली मैं शाम को कलीग लोग के साथ आते समय ही खा लिया था बाहर, सो घर पे बनाने का टेंशन नहीं था। कल देखेंगे, कल ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, कल बाहर शॉपिंग करने जाना है। खैर भैया है साथ में तो ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह के लिए साथ में रहेंगे भैया, अगर उनसे पूछूंगा बाहर शॉपिंग करने के लिए टाइम भी आ रहे हैं तो उनको टाइम रहेगा फ्री तो उनको लेके चलूंगा, अदरवाइज अकेले ही जाके कहीं देखूंगा आसपास शॉपिंग वगैरह, कुछ अच्छा लगेगा तो लूंगा, बस यही सब है। और आज का दिन ऑफिस में ही निकला, मैं सोचा कि बाहर अपना जो मैच वगैरह है वो होगा ऑफिस में, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन होगा, बट नहीं हुआ, सो मोबाइल में ही मैच वगैरह देखे और इंडिया जीत गई। बस वही सब है आज दिन भर का सैटरडे का अपडेट, कुछ खास सैटरडे स्पेंड हुआ नहीं है। और ऐसा कुछ है बाहर का वेदर अपडेट चेक करें, सुनसान और शांत भरा माहौल दुबई का, और गर्मी भी कम है, ठीक ठाक है वेदर भी, हवा वगैरह चल रही है, दिन में भी थोड़ी हवा वगैरह चलती है और अच्छा कूल वेदर है। बाकी यार गाइस, आई एम सॉरी कल व्लॉग नहीं शूट कर पाया, कल व्लॉग नहीं अपलोड किया मैंने कल का व्लॉग, बिकॉज इतना हेक्टिक दिन हो रहा है ना मेरा, मैं पिछले 3-4 दिनों से कुछ घर पे, मैं 8:30-9:30 बजे तक आ रहा था। सो आप ही मुझे बताओ 9:30 बजे मैं घर पे आऊंगा, कब खाना बनाऊंगा, कब खाना खा के बर्तन वगैरह धुल के कब वीडियो शूट करूंगा, कब एडिट करूंगा। सो काफ़ी वर्कलोड जो है वो बढ़ चुका है, और इस मंथ में थोड़ा सेल्स का भी थोड़ा टाइट है माहौल, बिकॉज सेल्स वगैरह इजीली मिल नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है 3-4 महीने में एक महीना ऐसा आता है कि सेल्स वगैरह थोड़ी कम मिलती है, सो उस वजह से थोड़ा काम का जो वर्कलोड है वो बढ़ चुका है, इसलिए लेट घर पे आ रहा हूँ। तो बस यही सब है, इसलिए कल की ब्लॉग नहीं आई। बाकी चलेगा, दिन भर कैसे भी कैसे करके मैनेज कर रहा हूँ,
और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो तो मैं व्लॉग डालूँ, ऐसा ना हो कि मैं व्लॉग स्किप करूँ। बहुत रेयर सिनेरियोज में, रेयर चांस में मैं अगर व्लॉग नहीं डालूंगा तो समझ लेना कि कुछ मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, कुछ काम में फंस गया था, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। और बाकी आज के वीडियो में आप लोग के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। आप लोग के काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं कि भाई वीज़ा बताओ कहाँ से निकालें, टिकट बताओ कहाँ से निकालें, विजिट वीज़ा 2 महीने का चाहिए, 1 महीने का चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग मैं अभी आप लोग से बात करने वाला हूँ। फेयर गाइज, मैं कुछ ऐसे लोग के साथ टच में हूँ, कुछ ऐसे लोग से बातचीत चल रही है मेरी जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस रन करते हैं दुबई में। अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे मैसेज करते थे मुझे कि मेरे सिटी में, मेरे एरिया में कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला नहीं है, मैं कहाँ से वीज़ा निकालूँ, कहाँ से टिकट निकालूँ, कहाँ से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँ। सो उन लोगों के लिए हेल्प होगी इस वीडियो से, बिकॉज मैं इनके साथ टच में आ रहा हूँ, इनसे बातचीत कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं आपके पास आएंगे, आप उनको एक रीजनेबल अच्छे अफोर्डेबल रेट में वीज़ा वगैरह या जो भी सर्विसेज हैं दुबई आने के लिए उसके लिए आप हेल्प कर देना, उसमें उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी। सो देख रहा हूँ बातचीत चल रही है और मैं जेन्युइन कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप लोग के साथ भी फ्रॉड हो और मेरे साथ भी धोखा हो कि मैंने किसी गलत आदमी लोग का इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया है। सो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट वेरी सून मैं इस पे वीडियो डालूंगा टूर्स एंड ट्रैवल्स पे, जिसमें आप लोग की हेल्प होगी वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग बात करने के लिए और वीज़ा वगैरह निकालने के लिए। सो मैंने जिन लोग को एतिसलात का कनेक्शन दिया मैं सिर्फ उन्हीं के साथ टच में हूँ, बिकॉज मैं उन लोग को जानता भी हूँ, मैंने जिनको सर्विस दिए टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंट्स को, कंपनी को, मैं उन्हीं के साथ टच में हूँ, उन्हीं लोग से बातचीत कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा, जेन्युइन लगा ओनर कस्टमर, जो कि आप लोग की हेल्प करेगा वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग, उन्हीं से मैं आप लोग का जो बातचीत है वो करवाऊंगा एक वीडियो में। सो लेट्स ही, देखते हैं, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, इसमें आप लोग की अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स ही, मैं अभी ये सब जो पूरा फाइनलाइज हो जाएगा एक बार, तो किसी एक वीडियो में मैं उस टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के ऊपर पूरा एक इन्फॉर्म डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कितना फीस है, क्या प्राइस रेंज है, तो आप अपने हिसाब से उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सो बस यही है आज के ब्लॉग में, ये इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को कि आप थोड़ा सा सब्र रखो, आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं ये टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों का एक जो कंपनी है वो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। बाकी जो जो बन सकेगा आप लोग के लिए करूँगा हेल्प, बाकी जो चीज़ नहीं हो पाएगी उसके लिए देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे। बाकी यार गाइस, सोच रहा हूँ आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँ, बिकॉज कल सुबह उठ के मुझे मंदिर जाना है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, सोच रहा हूँ नवरात्रि का पहला दिन है, चिकन वगैरह खाने में तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज फॉरेन कंट्री है कि कितना ही कोई कंट्रोल कर पाएगा या बचा पाएगा, बट लेट्स सी, कल जाके नवरात्रि है तो मंदिर में जाके दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, और उसके साथ ही साथ कल का दिन बिजी भी होने वाला है, बिकॉज कल हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, नॉर्मल शॉपिंग वगैरह करनी है, तो देखूंगा कहाँ जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा जो भी है। पिछले संडे जैसा जैसे मैंने वॉच वगैरह बाय किया था, वैसे कुछ अगर खरीदारी करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। सो इस वजह से सोच रहा हूँ आज जल्दी वीडियो एडिट करके सो जाता हूँ कल सुबह, ताकि जल्दी 8-9 बजे तक उठ जाऊँ। बस यही सब है आज की खबर, दिन भर का अपडेट आप लोग के लिए। अब चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।